नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ लेटेस्ट न्यूज अबाउट सीबीएसई एंड आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020। तो जो कुछ पेंडिंग या पोस्टपोन हो गए थे एग्जाम्स, अब उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कैसे होने वाले हैं, कब होने वाले हैं, इस बारे में जितनी भी ऑथेंटिक न्यूज है वो सब मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ इस छोटे से वीडियो में। तो दिल्ली छोड़ सीबीएसई 10वीं की बची परीक्षा नहीं होगी। तो दिल्ली में जो पोस्टपोन हो गए थे एग्जाम, नहीं हो पाए थे 10th के, वो 10th के एग्जाम्स तो होंगे, बाकी नहीं होंगे। और 12th पर आज डेट डिक्लेयर होने वाली थी, पर लेटेस्ट न्यूज ये कि अभी तक वो डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। तो कब तक एक्सपेक्टेड है वो हम देख लेते हैं। बाकी आप लोगों को पता चल ही चुका है कि जेई मेन जो है 18 से 23 जुलाई और जेई एडवांस अगस्त में होंगे। और जेई एडवांस में उन्होंने बोला भी है कि हम 20 दिन के अंदर अंदर ले सकते हैं, इतने साधन सुविधाएं उनके पास हैं। और नीट के लिए आपको पता ही है 26 जुलाई। तो इसके अलावा बोर्ड की कॉपी चेकिंग के बारे में क्वेरीज आ रही थी, तो कॉपी चेकिंग बीच में रुकी पड़ी थी, शुरू में स्टार्ट हो गई थी और करीब 15 दिन कॉपी चेक हुई, जैसे फिजिकल एजुकेशन वगैरह की कॉपीज चेक हो गई थी शुरू में, जो पेपर हुए इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन, उसके बाद ये सब रुक गया था। तो फिजिकल एजुकेशन की कॉपी चेक हुई थी बच्चों की कुछ कॉपीज, तो बाकी बची हुई कॉपी रीस्टार्ट होनी है, एवोल्यूशन वापस से शुरू होना है और कभी भी वो शुरू हो सकता है, एक्सपेक्टेड है 15 मई। तो 15 मई से कॉपी चेक होना शुरू हो जाएंगी और जिससे कि रिजल्ट बन पाएगा और पेंडिंग एग्जाम्स जल्दी से जल्दी होंगे। एक्सपेक्टेड डेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एज फॉर द बोर्ड एग्जाम डेट्स, द बोर्ड हैज नॉट शेयर्ड द शेड्यूल एज सच। सोर्सेज हाउएवर सजेस्ट दैट सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 फॉर द पेंडिंग 29 पेपर्स जिनके हम बात कर रहे थे या न्यूज़पेपर्स में न्यूज आ रही थी, वुड बी कंडक्टेड इन जून। जून में ये होंगे, जेई मेन से पहले, नीट से बहुत पहले, जिससे कि जेई मेन या नीट से पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर पाए बोर्ड एग्जाम का। सो दिस इज लेटेस्ट न्यूज। 29 सब्जेक्ट्स, 29 विषयों की होगी परीक्षा और कॉपी जांच का आदेश 29 अप्रैल को ही दे दिया गया था मानव संसाधन मंत्री ने। दिल्ली छोड़ सीबीएसई 10वीं की बची परीक्षा नहीं होगी, ये हम डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट, ये अच्छी खबर है कि इजराइल और इटली में, इटली दोनों जगह वैक्सीन बनाने का दावा उन्होंने किया है और वैक्सीन ढूंढ लिया, एंटीबॉडी ढूंढ लिए हैं, तो ये अच्छी खबर है। और भी कई देश इसी लाइन में लगे हैं, भारत भी इसमें काफी काम हो चुका है, तो हम समझते हैं सभी की पढ़ाई पटरी पर आ जाएगी जल्दी से जल्दी, यानी सब कुछ सही होने वाला है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ऑल इज वेल। अब हम बात करते हैं राजस्थान बोर्ड की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने संकेत दिए कि 10वीं की शेष परीक्षा ना लेने की तैयारी, जिस तरह से सीबीएसई की तर्ज पर, तो राजस्थान बोर्ड वाले भी 10th के लिए बिना परीक्षा लिए बच्चों को पास करने वाले हैं, जबकि 12th की जो परीक्षा है वो 25 मई डेट आ रही है, तो 25 मई से संभव है 12th की परीक्षाएं। 12th में, 12वीं में साइंस व कॉमर्स एग्जाम जो है 25 से संभव है, ये न्यूज आज के पेपर में थी भास्कर में। साइंस स्ट्रीम भी और कॉमर्स स्ट्रीम भी। तो बच्चों,